नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। राजस्थान विधानसभा में सीटों का विवाद बहुत जल्द आगे निकल चुका है। अब बात दिल्ली तक जा पहुंची है। हाईकमान और राज्य प्रभारी अजय माकन ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को तलब कर लिया है। महेश जोशी का राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात का कार्यक्रम है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम को विस्तृत रिपोर्ट रखेगी। विधायकों की बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक बात रखेंगे। अखबारों में छपे असंतुष्ट विवादों के बयान सामने रखे जाएंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग है जोशी के पास। किसने क्या बोला, यह तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। जोशी खुद के दिए गए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे, क्योंकि पूर्व मंत्री रमेश मीणा के बाद जो अब सचिन पायलट समर्थक दो और विधायकों ने विधानसभा में सीट आवंटन और विकास कामों में एससी एसटी और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री और दोसा विधायक मुरारीलाल मीणा और चाकसू विधायक वेद प्रकाश भोसली की सोलंकी ने भी एससी एसटी और माइनॉरिटी विधायकों के साथ हर स्तंभ पर भेदभाव के रमेश मीणा के आरोप का समर्थन करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। रमेश मीणा के इस्तीफे की धमकी पर मुरारी मीणा ने कहा कि यह उनकी अपनी व्यथा है, लेकिन यह बात सही है कि हम परेशान तो हैं। मुरारी मीणा ने कहा, हमारे साथ शुरू से ही भेदभाव हो रहा है, इसे लेकर हमने कई बार मुख्यमंत्री को और पार्टी स्तर पर भी अपनी आवाज उठाई। मेरे क्षेत्र में विकास तो हुआ है, इसे तो मैं नकार नहीं सकता, लेकिन सरकार और विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोगों से काम नहीं हो रहे हैं। कई मंत्री एससी एसटी विधायकों के काम नहीं करते, हम हाईकमान से मिलेंगे। मुरारी लाल मीणा ने कहा, हमारे नेता एससी एसटी और माइनॉरिटी और कांग्रेस की बैकबोन मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बैकबोन तो विधानसभा सरकार और पार्टी स्तर पर कमजोर किया जा रहा है। बहुत से मंत्री पदाधिकारी ऐसे हैं जो एससी एसटी विधायकों को इग्नोर करते हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं करते। मेरे इलाके में मुझसे पूछे बिना थानेदार से लेकर कई अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। मंत्रियों के इन कारनामों से पार्टी कमजोर हो रही है। हम हाईकमान और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। मंत्रियों को मनमानने का हक किसने दिया? बैकबोन भी कहें और कमजोर भी रहें, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। वेद प्रकाश सोलंकी। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, यह केवल विधायकों की ही नहीं पूरे राजस्थान में एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज का सवाल है। सदन में कुछ तथाकथित लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाता है। सदन के आगे सीट देने में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता। क्या हमारे दलित वर्ग के विधायक बोलना नहीं चाहते या बोलना नहीं जानते? एससी एसटी एक्ट विधायकों के साथ भेदभाव बंद कीजिए। एक तरफ आप एससी एसटी और माइनॉरिटी को कांग्रेस की बैकबोन बता रहे हो और दूसरी तरफ इनके विधायकों को कमजोर कर रहे हो। दोनों चीजें चलेंगी नहीं, बैकबोन भी बताओ और कमजोर भी करो। जिनके खून पसीने की मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनी, उन्हें सदन में महत्व मिले। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, जिन 50 लोगों को बिना माइक वाली सीटों पर बैठाया है, इनमें से अधिकांश एसटी माइनॉरिटी के हैं, जिनमें खून पसीने की मेहनत से यह सरकार बनाई है, उनके प्रतिनिधियों को सदन में उचित महत्व देना आवश्यक है। आज जान का विषय है, जिन 50 लोगों के पास माइक नहीं है, उन लोगों में कौन है, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। यह विधायकों का नहीं, पूरे प्रदेश में एससी एसटी माइनॉरिटी का मुद्दा है। उनकी आवाज को इस तरह दबाया जाना उचित नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे करंट न्यूज के साथ।